नमस्कार, मैं हूँ रीटा सानी और मेरे चैनल रीटा इन द किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ हॉट एंड सावर सूप बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करें। हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए गैस ऑन कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन रखा हुआ है, इसमें 2 चम्मच ऑयल, 2 गरम हो चुका है, ये 2 मीडियम साइज्ड अनियन फाइनली स्लाइस्ड, 1/2 स्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 स्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 स्पून प्याज, जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट का कच्चापन निकल चुका है। अब मैं वेजिटेबल्स डालूंगी। ये मैंने 10 बीन्स ली और इनको फाइनली चॉप कर लिया। 1/2 कप कैबेज, 1/2 कप कैरेट्स फाइनली स्लाइस्ड, 1 मीडियम साइज्ड ग्रीन बेल पेपर फाइनली स्लाइस्ड, 2 मशरूम्स ली और इनको फाइनली स्लाइस कर लिया, वो भी डाल दी। इनको थोड़ा सौते कर लेते हैं। ये सब वेजिटेबल्स भून चुकी हैं, हमें इन्हें पूरी तरह से नहीं पकाना। इनको थोड़ा सा सौते करना था। अब मैं इसमें 5 कप पानी डालूंगी। फाइव स्पून्स डार्क सोया सॉस, 4 स्पून्स रेड चिली सॉस, 4 स्पून्स विनेगर, 1/2 स्पून सॉल्ट, 1/4 स्पून शुगर, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 4 स्पून्स रेड चिल्ली ऑयल, 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर लेकर के उसे पानी में घोल लिया। ये स्लरी डाल देते हैं, 1 पतला घोल। ये कॉर्न फ्लोर पेस्ट इस सूप को बॉडी देने वाले हैं। कॉर्न फ्लोर स्लरी डालने के बाद ये सूप थोड़ी देर में ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। सूप कॉर्न फ्लोर स्लरी डालने के बाद ठीक हो चुका है और अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तक पहुंच चुका है। तो गैस बंद कर देते हैं और इसे सर्व करेंगे।
रेड चिली ऑयल से गार्निश करेंगे। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टू वॉच माई अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।